इतो अंड टुर सा मुल्तान खुर्दो असा कुटेड़ा कुटेड़ा को झूला क्रॉस कर सा सवाए तो लगा वे झूला झूले क्रॉस करके वा तूते वसा। हेलो गुड मॉर्निंग, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई सुबह हो गई और तेज धूप है यार, कड़कती हुई धूप हो रही है। मैं ना आंखें नहीं खोल पा रहा, ऐसी कड़क धूप हो रही है। बट अभी जा रहा हूँ मैं शफकत के पास, वहां जाकर आपको आज के सारे सीन बताते हैं। तो सबसे पहले ना अभी मैंने कपड़े शपड़े चेंज कर लिए, मैं उठ काफी टाइम का गया था, नाश्ता वाश्ता कर लिए, खाना नहीं खाऊंगा। खाना खाने से पहले हम जाएंगे शफकत के पास एंड वहां जाकर आपको सारे प्लान समझाता हूँ। तो सबसे पहले जाते हैं नीचे। तो आपका भाई भाई रेडी हो गया, ठीक है। और अभी ना मैं सामान संभालता हूँ, मैंने अपना ड्रोन रखना है। ड्रोन की बैटरी ये चार्जिंग पे लगी हुई है, इसको सबसे पहले ना निकालते हैं। ये मैंने निकाल ली, इसको हम रखते हैं इधर 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 इधर। चल यार बस ये बैटरी रख दी, ड्रोन रख दिया, चार्जर वगैरह पड़ा वहाँ पड़ा रहे, उसका कोई मसला नहीं है। नहीं यार चार्जर रख लेते हैं, जरूरत पड़ सकता है चार्जर भी। चलो भाई निकलो आप भी, बस निकल गया। चलो भाई तो चार्जर वगैरह रख दिया, मैं भी रेडी हो गया हूँ, तो अब निकलते हैं। निकलने का टाइम है शफकत के पास। शफकत के पास जाकर आपको सारा प्लान समझाता हूँ कि हम लोग कहाँ जाने वाले और क्या करने वाले। जी तो भाई जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कहा था कि नेक्स्ट जो है ना कोई इस मामले में मैं सुस्ती नहीं करूंगा और मैं आया करूंगा, रोज़ आया करूंगा। जब मेरा चक्कर लगेगा अड्डे का तो मैं आया करूंगा और जो है ना दुआ किया करूंगा सारों के लिए। तो वैसे ही आज शफकत लोगों की तरफ मेरा जाना हो रहा था, तो थोड़ा सा ही आगे कब्रिस्तान आता है, तो मैंने कहा नहीं सबसे पहले हम कब्रिस्तान जाएंगे, बाद में हो सकता है दिल थोड़ा टोपी ड्रामे पर चला जाए कि यार नहीं अभी ऐसा है तो वैसा है। पहले मैं आ गया कब्रिस्तान की दुआ वगैरह मांग ली, अब मैं हो गया हूँ फ्री और बस अब चलते हैं शफकत के पास। शफकत के पास जाने के बाद ना वहाँ सारे प्रोग्राम आपको मैं बताता हूँ, सो लेट्स गो। हाँ भाई तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं अभी ना शफकत को लेकर आ गया हूँ और शफकत आ गया मेरे साथ। तो मैंने आपको कहा था कि मैं जो है ना जब पहुंचूंगा एंड आपको तब बताऊंगा कि आज का सीन कैसे, हम कहाँ जा रहे हैं। तो अब आपको डिटेल में शफकत समझाएगा कि बेसिकली हम जा कहाँ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। भाई लोग कैसे हो? ठीक हो? ठीक ठाक हो? सेहत भी ठीक है? अच्छा भाई अरीब भाई आ गए ना मेरे को, हूँ जामने मेरे उस्ताद मोहतरमान जेड़े एक्सवेटर उस्ताद हैं, ते चंगे अच्छे उस्ताद है, तकरीबन 6-7 साल पहले दी गल है। हुण उन्हां दे बुजुर्ग गए वे, अम्मी दे अबू गए वे उमरे ते, उन्हां नूं मिलण वास्ते वहने पया। इत्थों अंड टुर सा मुल्तान खुरदो असां कुटेड़ा कुटेड़ा को झूला क्रॉस कर सा सवाए तो लगा वे झूला झूले क्रॉस करके वा तूते वसा, तूत ग्राम है उत्थे वसा। इंशाल्लाह अगू जड़ी गल उसी सूरत हाल वा ड्रोन शूट कर सा, बस फेसबुक दी जड़ा पेज है YSFMK उस चढ़ सा, इंशाल्लाह अगली सूरत हाल वा तुसा ना ना दसा। जी तो भाई सीन कुछ ऐसे हैं कि हम इन इन जगहों पे जाएंगे, मुझे तो यार सच्ची बताऊं तो कुछ समझ नहीं आई है और मैं पहली दफ़ा उस जगह जा रहा हूं, तो मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग कहो कि एक्सपीरियंस है अरीब गया हुआ, नो। तो आज मैंने ड्रोन श्रोन उठा लिया है, बैटरियां शेटरियां चार्ज कर ली हैं, तो अब चलते हैं और ना साथ साथ आपको व्यूज़ दिखाते हैं। तो यार शफकत चलो यार चलते हैं। भाई तो सीन ऐसा है कि अभी हम लोग जो है ना झूले पर बैठ गए और यहाँ पर दो बाइकें हमने खड़ी कर ली और अभी हम लोग वहाँ से निकले हैं वो सामने से। हाँ भाई जान जरा मैं आखा है भाई बस हाँ झूले चढ़ के मैं बहने पाया कुटेड़ा क्रॉस करने पाया मजा नहीं आ रहा है। जी तो हमारा आखिरी पॉइंट आ गया, हम वहाँ से निकले थे और एंड पॉइंट पे पहुँच गए, बस अब यहाँ से हम उतरेंगे बस। ओके जी ओके हो गया
भाई देखो वो आप लोगों को दिख रहा हो तो हम वहां से आए और यहां पहुंच गए। हाँ भाई, तो अभी हम निकलने लगे हैं आगे के लिए। हमारा हाफ रास्ता जो है ना कंप्लीट हो गया है, हाफ रह गया है। भाई सीन अभी कुछ ऐसा है कि हम लोग जो है ना जैसे झूले से उतरे उसके बाद अभी तक जो पहाड़ और कच्चा रास्ता ही चल रहा है, ठीक है। ज़्यादा आगे अभी हम लोग पहुँचे नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, और ये ऐसे ही कच्चा रोड ही जा रहा है सारा, ये देखो। और शफकत ने कहा है कि आई थिंक हो सकता है कि 15 से 20 मिनट का आगे रास्ता है बाकी हम लोग, लेकिन जो है ना आराम आराम स्लो स्लो जा रहे हैं, तो हमें कोई जल्दी तो नहीं है कि यार कोई बहुत जल्दी पहुँच रहा है। हम आराम सुकून से बातें करते हुए जा रहे हैं, तो हो सकता है ऊपर टाइम लग जाए, लेकिन यार प्लेस और जगह के लिहाज से एक थोड़ा खौफ भी आता है, डर भी है कि यार बहुत सुनसान जगह है, लेकिन खूबसूरती भी एंड है। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसी भी जगहों से जाना पड़ता है कि अब देखो ये सारे ना मेरे को कांटे लग रहे हैं, लेकिन ये देखो ऐसे रास्तों से भी गुजरना पड़ता है आपको, जब कहीं ढोक शोक पे आना पड़ता है ये रोड जा रहा है। सूरज थोड़ा सा ना ढल चुका है, तो अब सीन ऐसा करना है कि अभी हम लोगों ने जाते हुए ना ड्रोन शॉट लेने वो चेयर के, ठीक है, जो हम लोग आते हुए आप लोगों को दिखाई है, तो वो आप लोग एंजॉय कीजिएगा। बस थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँचते हैं और उस्ताद के घर के भी कुछ ड्रोन शॉट ले ली है, और वो इंशाल्लाह जो है ना मैं व्लॉग के साथ ऐड कर दूंगा। उनका गाँव थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा, उनकी गाँव की ब्यूटी आपको थोड़ी सी दिखा दूंगा। तो बस अभी आपको हम इंशाल्लाह मिलते हैं वहाँ पर चेयर वाली जगह। जी तो भाई अभी सीन कुछ ऐसा है, हम लोग पहुंच गए, वो छोटी सी नदी टाइप जा रही थी, ये स्वां में जाके मिलती है कहीं पर, शफकत बता रहा है, मुझे तो नहीं पता सही तरीके से। और अभी यहाँ पर ना शफकत मुंह हाथ वगैरह धो रहा है पानी से, एंड मैंने भी हाथ धोए हैं, वो मिठाई वगैरह खाई थी तो हाथ चिकने से हो रहे थे, थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, मैंने कहा यार थोड़ी देर रोकते हैं और इधर हाथ वगैरह धो लेते हैं और फिर आगे की साइड निकलते हैं। यहाँ पर आई थिंक सो कि यार ड्रोन उड़ाने का कोई सीन नहीं है, कि आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन वहां पर है, वहां वहीं पर जो है ना उड़ाते हैं, यहाँ पर नहीं उड़ाते, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते, तो चलते हैं अभी। भाई फाइनली जो है ना अभी आ रही है हमारी जो है ना चेयर, एंड देन जो है ना हम निकलते हैं। शफकत साहब ये रहे। हाँ बिल्कुल जी, ऐसे हम वापस आ गए हैं, झूला क्रॉस करके कुटेड़े पहुंच गए हैं जी, इंशाल्लाह। तो बाकी अभी झूला आता है तो हम बस निकल गए।
आप लोग देख रहे हैं खाली ये इन बेल्टों पे टिका हुआ है और हम इतना जो है ना झूले से होकर आए हैं। माशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं हम पाकिस्तानी झूला रहे हैं। क्या हाल चाल है? फिलहाल सीन कुछ ऐसे हैं कि शफकत को मैंने उतार दिया है। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? भाई की दुकान पे ये सामने खुरम साहब, ये रहा शफकत। उस्मान से भी मुलाकात होगी, ये होनी थी और मैं उतारने आया था और खुरम को मिलने आया था स्पेशली, बट उस्मान से हो गई मुलाकात। चलो तो अब इनको मैंने ना अल्लाह हाफिज कहना है, सो अल्लाह हाफिज भाई, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह जो है ना आपसे मिलेंगे दोबारा। ओके खुरम साहब, मेरी बाइक वो खड़ी है, निकलते हैं घर के लिए, बस बहुत हो गया मजाक, बहुत हो गया। हाँ तो भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं पहुंच चुका हूँ घर और टाइम फिलहाल ना बहुत अवर हो चुका है क्योंकि रात हो चुकी है, रात भी नहीं मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन हो चुका है। और लेकिन आज का डे ना बहुत ही बिजी था, बहुत सारे काम किए, हम इधर गए उधर गए, ग्राउंड चौक किए, मतलब बहुत सारा है ना, बस काफी निकला था।